हेलो एवरीवन, आई एम संदीप और बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर मैं आज एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। जितनी भी इसका बैकग्राउंड है, जो भी इसकी हिस्ट्री है, सब कुछ डिस्कशन करूंगा। बस जो करंट का मैटर है मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम लोग आज स्पेशल टॉपिक, जो मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, में इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं। हम लोग आज देखेंगे क्या था इसकी हिस्ट्री, क्या है इसका प्रेजेंट और क्या हो सकता है फ्यूचर। और मैं देखूं कि अगर जब भी मैं ये लेक्चर पढ़ाने के लिए आता हूं तो मुझे एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। रीजन क्या है कि इसरो, जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो रहा था और इंडिया को इंडिपेंडेंट करने वाला था यूके, और आज उसकी सैटेलाइट ही इसरो से भेजी जाती है ऊपर। मतलब उसके पास खुद का कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, जिसने हमें गुलाम बनाया, उसके पास खुद का कुछ नहीं है। और हम आज कहां पर पहुंच गए, वर्ल्ड की थर्ड पोजीशन पर पहुंच गए। आज इंडिया इसरो जो है वो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम सब कुछ जानेंगे और क्या कंट्रीब्यूशन था अब्दुल कलाम साहब का, हम उसको भी यहां पर जानेंगे। हम कभी मिस नहीं कर सकते अब्दुल कलाम साहब को, उनके बिना तो ये पूरी इसरो अधूरी है, हो ही नहीं सकता उनके बिना काम। तो देखते हैं क्या था इसरो। हम लोग सारी बातों को का डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाना, सब कुछ बनाना और नोट डाउन करना। बाद में हम लोग जैसे करंट अपडेट करेंगे उसके साथ अपडेट रहेंगे। हाँ, अगर आप लोग को ये बातें पसंद आती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं डेफिनेटली इसके बाद इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की पावर है, वर्ल्ड में इंडिया किस पोजीशन में स्टैंड करता है, इंडिया के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, मैं सबका एक कंपाइलेशन जरूर आपके आपके सामने लाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं जो आज का हमारा लेक्चर है इसरो। सुनना बातों को, इसरो को पढ़ने के लिए हमारे पास तीन ही चार ही इसके क्लासिफिकेशन करना कंपलसरी होगा। एक मैंने यहां पर लिखा इसरो, इसको चार पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले जानना इसके लिए मस्ट होगा हमारे लिए कि हिस्ट्री क्या थी इसरो की। और यही तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री कि क्या था इसका पास्ट और कैसे शुरू हुई इसकी जर्नी। दूसरा नंबर हमें एक बात जानना पड़ेगा कि क्या होती है सैटेलाइट। फिर जानेंगे क्या होते हैं लॉन्च व्हीकल, LVs क्या होते हैं। हाँ, इन दोनों को बनाने के लिए, इन सबको बनाने के लिए हमें सेंटर्स की नीड पड़ेगी जहां पर इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो कौन है इनके सेंटर्स, कहां कहां पर सेंटर लोकेटेड है, उनको जानेंगे। फिर मेरे समझ से हमें एक बात को और जान लेना चाहिए जो कि इसका पार्ट नहीं है, बट हाँ इनका इसका मतलब आज का लेक्चर का पार्ट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली किसी ना किसी लेक्चर का पार्ट बनेगा। फ्यूचर में आने वाले मिशन या प्रेजेंट जितने मिशन है उनको, मैं इसको एक डिफरेंट लेक्चर में लूंगा। मैं आज तक के जो लेक्चर, आज का लेक्चर है उसमें यहीं तक कवर करूंगा, मतलब चार पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक रहेगी हिस्ट्री, दूसरी सैटेलाइट, तीसरा लॉन्च व्हीकल और चौथा क्या होगा यहां पर सेंटर्स क्या होंगे। और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेक्चर में होते रहते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक एक पॉइंट से, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनना बात को, इसको समझने के लिए पहले हमें दो बातों को जानना बहुत कंपलसरी होगा कि एक्चुअली होता क्या है। मैंने कहा कि नीचे एक अर्थ बनी हुई है, ऊपर यहां पर मैंने कैमरा लगा दिया, तो होगा क्या, यह कैमरा नीचे जो भी चीजें हो रही है, हैपनिंग हो रही है, उन सबको इजीली देख सकता है। आप देखो नीचे यहां पर कोई टेररिस्ट एंटर कर रहा है, ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो टेररिस्ट को देख लेगा, टेररिस्ट एंटर कर रहा है और हमें इंडिकेट कर देगा। फिर देखना, मैंने ये कैमरा से अगर मैंने कहा कि इस यहां पर बारिश हो रही है, रेनफॉल ज्यादा आ रही है, फ्लड आ रही है, तो मैं ऊपर से देख के बता दूंगा यहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है। फिर मैं नीचे अगर कहीं पर क्रॉप का कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, ये वाली क्रॉप ज्यादा हो रही है, वीट ज्यादा हो रहा है, राइस ज्यादा हो रहा है, उसका इंडिकेशन दे देगा, फोरकास्ट दे देगा। तो मतलब इसरो क्या काम करता है, ऊपर एक कैमरा लगा दिया, उस कैमरे से नीचे वाले पार्ट को उसने देखना स्टार्ट किया और नीचे वाला पार्ट जो होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। बस यही काम करता है इसरो। मतलब मैं कह सकता हूं इसरो हमारे पूरे जो नीचे जमीन है उसमें जो जो हैपनिंग हो रही है उन सबकी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। तो एक कैमरा ऊपर हुआ और नीचे क्या होगा, यहां पर नीचे क्या होगा, यहां पर लैंड होगी। तो देखो आप कहोगे सर ये कैमरा कैसे लगाया जाएगा, तो मैं कहूंगा ऐसा थोड़ा ना होगा कैमरा को ऊपर फेंक दिया जाएगा और कैमरा लग जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता।
तो कैमरे को नीचे से ऊपर, जमीन से ऊपर तक ले जाने के लिए एक व्हीकल का यूज करेंगे, दैट्स अ लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल जो उस कैमरे को ऊपर ले जाएगा। और दूसरी बात, सैटेलाइट क्या हुआ, सैटेलाइट का जो कैमरा हुआ वो सैटेलाइट हुआ। मेरे समझ से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट ऊपर जाके नीचे देखने का काम करती है। यहां पे लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, जो नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं कि सैटेलाइट एक बस और पैसेंजर की कंडीशन को बताऊं। मैंने कहा कि मुझे यहां से मुंबई जाना और जो मेरी बस थी वो जा रही थी मुंबई से भी आगे जा रही थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर उस बस में बैठ जाऊंगा तो मैं बन गया सैटेलाइट और वो आगे जाके मुझे मुंबई में ड्रॉप ऑफ कर देगी, तो मैं सैटेलाइट बाहर आ गया, जहां पे जाए बस मुझे कोई मतलब नहीं। तो बस क्या होगा, लॉन्च व्हीकल होगा। और सैटेलाइट क्या बन जाएगी यहां पर, सैटेलाइट एक बन जाएगी यहां पर केवल पैसेंजर बन जाएगी। आते हैं सारी बात में हिस्ट्री में, मैं इसको रब करता हूं फिर इसकी हिस्ट्री बताता हूं। इसके लिए हिस्ट्री को समझने के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको समझना मस्ट है। सुनना, यहां पर मैंने बताया कि ये अर्थ है और इस अर्थ के अगर मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मुझे 100 किलोमीटर तक एनवायरमेंट मिलेगा, 100 किलोमीटर तक लगभग एनवायरमेंट मिलेगा। तो ये 100 किलोमीटर तक एनवायरमेंट मिला और जो ये रीजन है इसको हम लोग कहते हैं इन स्पेस कहते हैं। इसके ऊपर में जैसे जाऊंगा तो यहां पर 100 किलोमीटर के अगर अबव जाता हूं, ऊपर जाता हूं, तो इसके ऊपर मिलेगा मुझे स्पेस। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 36,000, मैं लगभग बोल रहा हूं, इतने किलोमीटर तक अगर ऊपर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर स्पेस मिलेगा, ठीक है ना, यहां पर मिलेगा मुझे स्पेस। इसे बोलते हैं हम लोग स्पेस, ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगा तो इसको बोलते हैं हम लोग डीप स्पेस। पूरी बात को समझना, इसको बोलते हैं हम लोग डीप स्पेस। और अगर यहां पर मैंने कहा कि ये मून है और इस मून का स्पेस है, इस मून के स्पेस को भी मैं मून के स्पेस को भी डीप स्पेस बोलता हूं, तो मेरे बात समझ में आ गई होगी कि डीप स्पेस क्या है। तो अदर का कोई स्पेस है, किसी अदर प्लेनेट या अदर सैटेलाइट का कोई स्पेस है, तो उसे भी हम लोग डीप स्पेस कहते हैं। तो हमने यहां से यहां तक की जर्नी को 3 पार्ट में कवर किया। पहले हम लोग इन स्पेस में रहे, फिर स्पेस में रहे, फिर डीप स्पेस में रहे। तो इस तरह से हमारी इसकी जर्नी कंप्लीट होती है इसरो की। तो मैं हिस्ट्री में आता हूं, हिस्ट्री में इसकी हिस्ट्री क्या कहती है, इसको समझते रहना तब बातें सब समझ में आएंगी। हिस्ट्री फर्स्ट देखना होता क्या है। 1945 दो पर्सनालिटी थी इंडिया की, एक का नाम था मिस्टर विक्रम साराभाई एंड दूसरे थे होमी जहांगीर भाभा। इन दोनों के नाम से आप लोग जरूरी वाकिफ होंगे। दोनों लोग 1945 में पहुंचते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट की ओर मूव कर रहा था और लग रहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों पहुंचे और इंडिया दोनों ने कहा कि हमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। एक ने कहा कि मुझे अपना न्यूक्लियर बम बनाना है और दूसरे ने कहा मुझे स्पेस में जाना है। एक तरफ थे विक्रम साराभाई और दूसरे तरफ थे होमी जहांगीर बाबा। आपको शायद याद हो 1945 में बॉम्बिंग हुई थी जापान पे, और जापान में जो बॉम्बिंग हुई उसमें से इस बात का इंडिकेशन तो मिल चुका था कि वर्ल्ड पावर वही होगा जो न्यूक्लियर बम को कैरी करेगा। होमी जहांगीर बाबा का जो इंटेंट था वो लगभग न्यूक्लियर बम की ओर जा रहा था। ये बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आ गई कि ये प्रोजेक्ट तो चलना चाहिए। उनको उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, आप इस काम में स्टार्ट करो। दूसरा नंबर आया विक्रम साराभाई, याद रखना विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा दोनों क्या थे, क्लोज फ्रेंड थे। होमी जहांगीर बाबा 1909 में बॉर्न हुआ था, 1919 में बॉर्न हुआ था विक्रम साराभाई का, 10 साल का डिफरेंस था। दोनों बाहर पढ़ के वापस आए थे इंडिया में, फिर भी दोनों का इंटेंट इंडिया को डेवलप करने में था। फिर जैसे उनके पास पहुंचे पंडित जवाहरलाल नेहरू पास पहुंचते हैं विक्रम साराभाई कहते हैं कि मुझे स्पेस में जाना है, स्पेस पे काम करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखो इस समय इंडिया के पास एक ही चीज हमें जो गिफ्ट में मिली है इंडिपेंडेंट के बाद, जो ब्रिटेन ने हमें गिफ्ट दिया वो गरीबी के अलावा इस भारत को कुछ भी नहीं मिला। बात सही थी और मुझे इस समय ध्यान देना है गरीबी को खत्म करने में, ना कि स्पेस में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लॉजिक, पैसा बहुत वेस्ट होगा, हमें नीड है गरीबी को खत्म करने के लिए। विक्रम साराभाई थोड़ा सा नर्वस हुए और वापस लौट गए घर। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने सोचा, फिर गए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और उन्होंने कहा कि मैं इस स्पेस से पॉवर्टी गरीबी को खत्म कर सकता हूं। और
और आपका एजेंडा भी गरीबी खत्म करने का है, मेरा भी एजेंडा गरीबी खत्म करने का। बात जची पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या करोगे ऐसा? तूने कहा कि मैं इंडिया में लैंड बहुत सारी, जमीन बहुत सारी है, और मैं ऊपर से सेटेलाइट लगा दूंगा, कैमरा लगा दूंगा, नीचे ये देखूंगा कि नीचे कौन सी लैंड है जो फर्टाइल है बट फिर भी हम उसका यूज नहीं कर रहे। और उससे क्या होगा कि आप उसमें कल्टीवेशन स्टार्ट कर देना और वहीं से हमारा ग्रो करेगा, प्रोडक्शन होगा, हमारी एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगा और हमारी पॉवर्टी कम हो जाएगी। जो रोज भूख से मर रहे हैं वो मरने वाले कम हो जाएंगे। आपको शायद पता हो हमारी गरीबी इतनी थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने वन डे फास्ट का अनाउंसमेंट किया था कि एक दिन आपको व्रत रहना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ इतना फूड बच सके कि सभी को खाना हो सके। ये पॉवर्टी थी, ये गरीबी थी इंडिया की। जैसे विक्रम साराभाई ने बात कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिट करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रमोट किया कि जाओ आप काम करना स्टार्ट करो। विक्रम साराभाई काम करना स्टार्ट करते, लेकिन किक नहीं मिली, यू नो किक मिल रहा। 1957 एक इंसिडेंट होता, रसिया एक लाइका नाम की बीच को वो स्पेस में भेज देती, भले ही उसकी डेथ हो गई बट स्पेस में भेज दिया। सोचो हम लोगों ने स्पेस का एस भी नहीं अभी पता था और उसने स्पेस में बीच को भेज दिया, और बीच को भेजने के बाद उसकी डेथ हुई। तो ये किक का काम की विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई निकल पड़े, विक्रम साराभाई को चाहिए एक टीम बनानी पड़ेगी मुझे, और उस टीम के पीछे जाकर मूव करने लगे, हमें टीम बनानी है। जगह जगह से साइंटिस्टों को ढूंढ रहे थे, एक ऐसा पर्सन था जो एक डिफरेंट एरिया में वर्क कर रहा था जिसका वहां पर इंटरेस्ट नहीं था। वहां पर उसने एक चार लोग की टीम थी, उस चार लोगों की टीम पर एक पर्सन था जिसने फाइटर प्लेन बनाया, हेलीकॉप्टर से बनाया था, और उस जगह उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो वैल्यू थी, वो कचरे में पड़ा हुआ था। विजिट पे पहुंच गए विक्रम साराभाई, देखा एक कचरे में पड़ा हुआ है एक प्लेन, फाइटर प्लेन जैसा था। तो ये बात उन्हें नोटिस की, उन्होंने कहा कि किसने बनाया? लोगों ने कहा एक पागल सा जिसके पास कुछ काम वाम नहीं रहता तो यही करता रहता है। तो ये बात विक्रम साराभाई को जच गई और विक्रम साराभाई ने कहा कि ठीक है, मुझे उस पर्सनालिटी से मिलनी है जो पर्सनालिटी ने इसको बनाया है। उसका भी मिला देते हैं, बुमराह हो गए इधर उधर। बुलाया उसको, बुलाने के बाद उससे कहा कि देखो मैं एक स्पेस के लिए एक टीम बना रहा हूं और मुझे आपकी नीड है, आप मेरे साथ इंटरव्यू में बैठ सकते हो क्या? तो सामने वाले जो पर्सनालिटी ने कहा बिल्कुल, मेरा यहां पे कोई मन नहीं लगता, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं जाना चाहता हूं दूसरे सेक्टर में और मैं आना चाहता हूं, इंटरव्यू देना चाहता हूं। इंटरव्यू दिया, एक तरफ विक्रम साराभाई, एक तरफ सामने वो जिसे पागल कहा करते थे, सामने वो दोनों इंटरव्यू। 5 मिनट इंटरव्यू चला, 5 मिनट बाद ऑफर लेटर सामने वाले पर्सन को। विक्रम साराभाई बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए उस पर्सन से, आप शायद सोच सकते हो उसका नाम क्या था, उसका नाम था अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम साहब थे। सोचो वो गोल्ड एरा होगा इस इंडिया का, जब एक सामने एक इस तरफ इंटरव्यूअर थे विक्रम साराभाई द ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, और सामने वाले पर्सन थे जो उनके पर्सनालिटी थी वो अब्दुल कलाम साहब थे। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा समय रहा होगा। नाउ टीम बनी, टीम बनने के बाद एक टीम बनाई गई जिस टीम को 1962 में बनाया गया, 1962 इनको इस पार एक कमेटी बनाई, इनको इस पार नाम की, इनको इस पार नाम की कमेटी बनाई गई 1962। ये लोग क्या काम कर रहे थे कि हमें एक टीम बनाकर हमें स्पेस में काम करना है। इनको इस पार कमेटी बन चुकी थी। इनको इस पार कमेटी बनने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द अदर कंट्री, फ्रांस एंड अदर कंट्री, एक वहां से एक रॉकेट लाइक खरीद कर और इंडिया से उन्होंने उसको लॉन्च किया, इंडिया से लॉन्च किया। 1963 में लॉन्च किया गया, 1963 में इसका नाम दिया गया नाइक अपाचे लॉन्च किया गया। लेकिन हां सुनना, यहां से जब नाइक अपाचे लॉन्च किया गया, बट ये लॉन्च किया गया थुम्बा से। थुम्बा कहां पर लोकेटेड है? थुम्बा केरला में लोकेटेड है, केरला में लोकेट, वहां से इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च किया गया, ये एक साउंडिंग रॉकेट था। साउंडिंग रॉकेट का मतलब है कि इन स्पेस में जाने वाला रॉकेट था। तो ये कहां पे जाएगा? इन स्पेस में। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, इन स्पेस मतलब यहां पर जाने वाला रॉकेट था, यहां तक गया और यहीं तक जाके रह गया, हमने भेजे यहां तक। लेकिन एक बात देखना, जगह हमारी थी, आपने वो एक बहुत अच्छी इमेज देखी होगी जब रॉकेट को साइकिल में बांध कर ले जाया जा रहा था। देखो वो समय, देखो इंडिया,
तो उस समय वो गया इस पॉइंट तक, इन स्पेस में गया और इन स्पेस में जाके डिप्लॉय खत्म हो गया। अब इंडिया का एक काम था कि इंडिया का जगह इंडिया की थी और ये जो था ये बाहर कंट्री से परचेज किया गया था, बट फिर भी हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया। और जो भी यहां पर रॉकेट होता है इन स्पेस में, इसको बोलते हैं साउंडिंग रॉकेट। याद रखना, साउंडिंग रॉकेट एग्जाम में था, व्हाट इज द साउंडिंग रॉकेट? तो जो साउंडिंग रॉकेट है इन स्पेस में आता है। क्या इस समय साउंडिंग रॉकेट आते? बिल्कुल, आप सब लोगों ने एक देखा होगा, एक शाम के समय पर एक ऊपर की हवा के हवा में एक जाता है, पीछे से एक बहुत फॉग की एक लाइन बन जाती है, धुएं की एक लाइन बन जाती है, वो एक साउंडिंग रॉकेट है जो एनवायरमेंट की स्टडी के लिए आज भी लॉन्च किया था, वो उस समय लॉन्च किया गया। अब देखना, हमने सोचा कि क्यों ना इस रॉकेट को भी इंडिया में बनाए, तो बिल्कुल यही हुआ कि इस रॉकेट को इंडिया में बनाने के लिए 1967 में इंडिया ने खुद का रॉकेट बनाया जिसे RH-75 रोनी 75 कहा गया। RH-75 बना, रोनी 75 बना, और वो रॉकेट जो गया वो कहां पे गया? इन स्पेस में गया। तो मतलब ये भी कह सकता हूं कि ये इन स्पेस रॉकेट था, इन स्पेस रॉकेट था और इन स्पेस में गया। अब क्या था कि यहां पर हमने ही इस रॉकेट को भी बनाया था और हमने ही लॉन्च किया था, तो मतलब दोनों चीजें हमारी थी। तो मैं कह सकता हूं कि ये पहला इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट था, रॉकेट था जो कंप्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ था और इंडिया में ही लॉन्च किया गया था। तो मैं ये भी कह सकता हूं इन स्पेस था और क्या था? साउंडिंग रॉकेट था। इन स्पेस था और यह भी क्या था? साउंडिंग रॉकेट था। तो ऊपर दोनों क्या हो गए? इन स्पेस थे और दोनों इन स्पेस में हमेशा साउंडिंग रॉकेट ही आते हैं, तो साउंडिंग रॉकेट था। मेरे समझ से ये बातें आप सब लोग को क्लियर हो गई होंगी कि मैं यहां पर क्या बताना चाहता था। लेकिन अभी तक हमें काम कहां पर करना है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में काम करना। हम स्पेस में गए अभी तक बिल्कुल नहीं गए। 1966 में एक इंसिडेंट होता है, शायद सबको याद हो कि होमी जहांगीर, मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो डीआरडीओ वाले जो डिफेंस की स्टोरी वो है, बट हाँ थोड़ी सी लिंक का मैं बताता हूं, बाद में उसको लिंक करूंगा, जब मैं दूसरा लेक्चर लूंगा जरूर लिंक करूंगा। तो वहां पर 1966 में डेथ हो जाती है होमी जहांगीर भाभा की, और उसी के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इंदिरा गांधी इंटरेस्टेड थी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ना कि इसमें। और याद रखना, विक्रम साराभाई और इंदिरा गांधी दोनों क्लोज फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहा होगा कौन सा प्रोग्राम? जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उनके जो चीफ थे विक्रम साराभाई, 1966 विक्रम सारा होमी जहांगीर बाबा 1966 में डेथ। कहते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? मैं तो कहूंगा दुर्भाग्य यही है कि हमारे जितने बड़े साइंटिस्ट थे ना, उनका गलत समय पे मर जाना, डेथ हो जाना, वही हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का नहीं हो सकता। तो जब दोनों क्लोज फ्रेंड थे, इंदिरा गांधी ने फोन किया विक्रम साराभाई को कि डेथ हो चुकी है जहांगीर बाबा की, एक काम करो आप इसमें आ जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड बन जाओ, डीएई के हेड बन जाओ। विक्रम साराभाई ने सोचा, उनका तो मन किस में लगता था? इसरो स्पेस प्रोग्राम में। उन्होंने सोचा ठीक है, ये बहाना है, मैं जाके वहां पर जाके बैठ जाता हूं। ये जाकर बैठ गए, वहां के हेड बन गए और उसी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक नया इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट समझना, मान लो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। तो ऐसे करके जो पूरा हुआ हमारा, ये बड़ा सा डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट में एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम दिया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969, वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फॉर्मेशन हुआ। डेट थी 15 अगस्त। याद रखना, इनको इस बार कमेटी को रेगुलेट करने के लिए, जगह बनाने के लिए क्या बना दिया गया? यहां पर इसरो बना दी गई। तो इसका एक्सटेंड वर्जन था यहां पर इसरो। हेड कौन होगा? तो हेड जो थे उस समय, जो हेड थे वो डीओई के हेड थे, वही हेड इसके बन जाएंगे। द हेड वाज विक्रम साराभाई। तो इसके हेड थे फर्स्ट जो चेयरमैन थे, द फर्स्ट चेयरमैन वाज विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन मतलब विक्रम साराभाई, वेरी इंपॉर्टेंट। साराभाई क्या इन्हीं को तो फादर ऑफ स्पेस भी कहते हैं? क्या फादर ऑफ स्पेस भी इन्हीं को कहते हैं? क्योंकि इन्हीं ने तो उसका फॉर्मेशन किया था। अब विक्रम साराभाई ने जैसे इसरो बनाया, एक्चुअली काम के लिए इंदिरा गांधी ने उनको भेजा था एटॉमिक एनर्जी में काम करने के लिए, इनमें काम, इनने काम कर दिया इसरो में, बात जमी नहीं इंदिरा गांधी उनके बीच में। मैं कह सकता हूं कि ब्रेकअप हो गया, दोनों के बीच में लड़ाइयां हो गई और लड़ाइयां होने के बाद इनको हटा दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड से। हटने के बाद क्या कॉम्बिनेशन था,
हमेशा शाम को अब्दुल कलाम रिस्पॉन्स करते थे विक्रम साराभाई को, आज ये कर लिया, ये प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन होता था। 1971 बेंगलुरु में बैठे हुए थे, विक्रम साराभाई, एंड केरला में बैठे, थुम्बा में बैठे हुए थे, केरला में बैठे हुए थे अब्दुल कलाम। शाम को 4 बज रहे होंगे, फोन किया विक्रम साराभाई ने कलाम साहब को, उनसे कहा कि मैं उन्हें रिस्पॉन्स करने के लिए कॉल किया था, सॉरी अब्दुल कलाम ने कॉल किया था, विक्रम साराभाई रिस्पॉन्स किया कि ये बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो बोलते हैं विक्रम साराभाई कि थोड़ी देर रुक जा, मैं वहीं पर आता हूँ और मेरी फ्लाइट है, थोड़ी देर में वहीं पर मिलता हूँ, वहीं पर रिस्पॉन्स कर देना, वहीं पर डिस्कशन कर लेंगे। गए एयरपोर्ट, में देखा तो फ्लाइट 2 घंटे लेट थी। फ्लाइट लेट होने के बाद वो फिर से अपने होटल पे चले जाते हैं, होटल पे बुक पढ़ने लगते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक गिरती है उनके सर पर और उन्हें आता हार्ट अटैक और हार्ट अटैक में डेथ हो गई। सोचो क्या सोच रहे होंगे मिस्टर अब्दुल कलाम साहब कि जिनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की है और ग्रेट साइंटिस्ट, उनकी डेथ हो गई। तो मैं कह सकता हूँ हमारे भारत का सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य थे, 52 साल की उम्र उनकी डेथ हो गई। हाँ, इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी, इनकी अगर बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि इन्होंने बताया था, मुझे ये पता नहीं ये रियलिटी है कि नहीं है, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई भी नहीं हो सकती, नहीं बोल सकते, कि उन्होंने अपना हनीमून ट्रेन पे सेलिब्रेट किया था, हनीमून ट्रेन पे बनाया था, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, आप लोग को मैं टाइम नहीं मतलब इतना मिलता, वरना मैं इन कहानियों को भी बिल्कुल एलिब्रेट करूँ कि कैसे उनकी जर्नी चली थी और कैसे उनकी वाइफ थी और क्या था, उनकी डॉटर क्या सोच रही थी, सब कुछ ऐसा था, ठीक है ना। चलो आप लोग पढ़ना इसकी बुक को, जब हो तो मुझे बताना, मैं जरूर इसमें अगर कहोगे तो उसमें डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा, एक ही हिस्ट्री में वीडियो लाऊंगा उनकी लाइफ हिस्ट्री पे, बट वेरी इंटरेस्टिंग, मैं कहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ना। तो यहां से क्या होगा, विक्रम चेयरमैन, विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस, इनकी डेथ हो गई तो अधर में अटक गया इसरो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट कर रही थी इंदिरा गांधी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी को पता नहीं उस ब्रेकअप से शायद कुछ उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए उनके प्रोग्राम को, और उनकी थोड़ी सी इच्छाएं आई कि हमें भी प्रमोट करना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब इसरो को। उस समय देखना कोई साइंटिस्ट इसको लीड करने वाला नहीं था, अब्दुल कलाम की वो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके। तो कहा गया कि इस स्पेस प्रोग्राम को कौन चलाएगा। उस समय एक पर्सन जो काम कर रहा था नासा में, वो इसको इंडियन था, वो सबसे अच्छा लीड कर सकता था इसको। इंदिरा गांधी ने फोन किया उनको कि आप इंडिया में आके लीड करोगे, उसने कहा बिल्कुल मैं लीड करूंगा और इंडिया मैंने लीड करने की तैयारी, कहा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट भी चाहिए, इंस्टीट्यूट उनको बनाया गया और चेयरमैन भी बनाया गया उनको, दैट्स नेम वाज मिस्टर सतीश धवन। कहते हैं कि अब्दुल कलाम साहब ने सबसे ज्यादा अगर वर्ड किसी बार के बारे में लिखे ना अपनी बुक में द विंग्स ऑफ द फायर में, वो सतीश धवन के बारे में लिखे हैं, और सतीश धवन आज तक के सबसे पढ़े लिखे इंसान है जिन्हें 3 PhD की हुई है। नासा से छोड़ के आना, आज लोग इसरो से छोड़ के नासा चले जाते हैं, वो नासा से छोड़ के इंडिया में आया और इंडिया का चेयरमैन बना, देन सेकंड चेयरमैन ऑफ द इसरो वाज मिस्टर सतीश धवन। और सतीश धवन बनने के बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का फॉर्मेशन होता है, DOS का फॉर्मेशन होता है। आपको सर डिपार्टमेंट और इसरो समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि अभी तक इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहा था, अब किस में काम करेगा, खुद का स्पेस बन गया। डिपार्टमेंट का मतलब एक बहुत बड़ा सा डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक बड़ी एजेंसी इसरो। तो इस DOS का हेड हमेशा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर, इस समय मोदी जी हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन DOS जो हमारी इसरो है उसके अंदर जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसके हेड हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मैंने पहले हेड बताया आपको कौन थे यहां पर, विक्रम साराभाई, दूसरे हेड बने सतीश धवन। याद रखना सतीश धवन ही लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड भी है, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल भी आज तक का ही नहीं का है। तो इस कारण से इसरो का एट प्रेजेंट कौन है, एस सोमनाथ जी है ना, एस सोमनाथ इस समय हेड है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गया, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, उसके अंदर इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी और भी एजेंसी इसके अंदर काम करती हैं, प्राइवेट एजेंसी भी काम करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी दोनों काम करती हैं। तो 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, बनने के बाद यहां पर इस समय हेड कौन है, सतीश धवन है। वेरी नाइस पर्सनैलिटी, मतलब अमेजिंग पर्सनैलिटी सतीश धवन। इनने दो काम करने शुरू किए, आपको पता है कि हमें दो चीज चाहिए, अब हमें इसमें तो हम लोग महारथी हो चुके हैं, इन स्पेस में हमने लॉन्च कर चुके हैं, अब हमें चाहिए स्पेस में जाने के लिए। तो स्पेस में जाने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, हमें ऊपर जाने के लिए लॉन्च व्हीकल की नीड पड़ेगी और इनमें सैटेलाइट की नीड पड़ेगी, दो ही चीज तो नीड पड़ेगी ना, लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट दोनों की नीड पड़ेगी। इन्होंने सबसे पहले दो अलग अलग ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाया एक युवा राव उडुपी रामचंद्र राव का ग्रुप, और एक बनाया मिस्टर अब्दुल कलाम का ग्रुप, APJ अब्दुल कलाम का ग्रुप। युवा राव से कहा, उडुपी रामचंद्र राव से कहा कि आप सैटेलाइट में काम करो, अब्दुल कलाम साहब से कहा कि आप लॉन्च व्हीकल पर काम करो।
तो यहीं पर सबसे पहले यू आर राव 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट बनी. दिस नेम वाज द आर्यभट्ट. आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द इंडिया जो कि हमारी दूसरी कंट्री मतलब यूएसएसआर से लॉन्च की गई ऊपर. मतलब लॉन्च व्हीकल हमारा नहीं था, ऊपर ले जाने वाला हमारा नहीं था, केवल क्या था हमारी सैटेलाइट हमारी थी. और सैटेलाइट यहां से आर्यभट्ट 1975 में आर्यभट्ट ऊपर जाती है और ऊपर सक्सेसफुली प्लेस्ड की जाती है. तो मतलब इसको बनाने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था वो था यू आर राव का, उडुपी रामचंद्र राव का, यू आर राव का. और याद रखना जो यू आर राव था लेकिन फिर भी किसकी लीडरशिप किसके चेयरमैनशिप में हुआ था, द चेयरमैन वाज एस सतीश धवन. तो इसी कारण से सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया एस सतीश धवन को कहते हैं. तो एग्जाम में आता है सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया. प्लीज मुझे सर्च कर कमेंट जरूर करना सैटेलाइट वुमेन ऑफ द इंडिया किसको कहते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया एस सतीश धवन को कहते हैं, एस सतीश धवन. बट इसको बनाया किसने था, यू आर राव ने. याद रखना यू आर राव, जितने नेम बोला हूं कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हुआ आपको ले जाऊंगा, उतने ही नेम बोलूंगा जितने आपको नीड होगी, ठीक है ना. तो यहां पर है यू आर राव की लीडरशिप. आपको पता है कि दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था ऑन द लीडरशिप, ऑन द लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम, जो बना रहे थे लॉन्च व्हीकल बना रहे थे 1979 में ये सक्सेस होते हैं और अपना फर्स्ट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं जिसे SLV, जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया. बट ये अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गई, असफल हो गई. पूरी मेरे बातों को समझना, जो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल होती है कौन, 1979 में SLV. अपने इंडिया में एक ही चीज फ्री में मिलती है, वो कोई क्रिटिक आलोचना है. 1979 में जब ये अनसक्सेसफुल हुई, मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन कंपनी की कमेंट थी, ये तो न्यूज़पेपर पब्लिश थे, लेकिन उन कंपनी को मैं बिल्कुल नेम नहीं ले जाऊं. एक कंपनी ने ऐसा कहा कि शायद हो सकता है कि इस लॉन्च व्हीकल का स्विच बोर्ड खराब हो गया हो, इस कारण से ऊपर नहीं गई. अगर हमारा स्विच बोर्ड लगाया गया होता तो ये ऊपर पहुंच जाएगी. और एक कंपनी और थी जिसने ये कहा हो सकता है इसका फ्यूल नहीं हो, इसमें फ्यूल खराब हो चुका हो, फ्यूल ही नहीं काम किया हो. हमारा बटर डाला होता, आप कंपनी का नाम समझ गए होंगे, हमारा बटर डाला होता तो ये उस बटर में इतने एनर्जी होती कि ऊपर पहुंचा देती. बात समझ गए ना, ये किसकी क्रिटिक हो रही थी, अब्दुल कलाम साहब के. सुनना उस दिन की मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं. जैसे SLV ऊपर लॉन्च की गई, बहुत पैसा था, हमारे गरीबी थी, मतलब बहुत पैसे खराब हुए. अब्दुल कलाम जैसे आंसर से बुरगा दौड़ के एक रूम पे जाकर घुस गए और वहां पर बैठे हुए थे और रोने लगे. सामने से एक ब्रह्मदत्त आए, ब्रह्मदत्त मैं कभी फिर कभी इंसिडेंट बताऊंगा, ब्रह्मदत्त ने हाथ रखा कि यार अनसक्सेसफुल होना ही इसका पार्ट है, होता रहता है ये सब, आप परेशान नहीं हो इसमें. उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात सतीश धवन जिनने इतना मुझ पर बिलीव किया था वो क्या सोच रहे होंगे इस बारे में. बात तो सही थी. थोड़ी देर में टीवी ऑन किया, टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे सतीश धवन. और सतीश धवन का दिस वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी जिस कारण से लॉन्च हुआ. एक्चुअल गलती किसकी थी और एक्सेप्ट कौन कर रहा है गलती, गुड लीडर की यही पहचान होती है. तो उन्हें एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती थी और इस कारण से आंसर्स पर हुआ. एक साल बाद 1980 फिर से तैयार था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये इस साल सक्सेसफुली लॉन्च किया गया. तो 1980 में पहली बार सक्सेसफुल लॉन्च, फिर से एक्साइटमेंट आया होगा अब्दुल कलाम साहब को, फिर से उसी रूम पे गए होंगे दौड़ के और फिर से टेलीविजन ओपन की गई होगी कि इस समय सतीश धवन क्या करे. जब गए तो टेलीविजन खाली था, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. परेशान अब्दुल कलाम, हो क्या क्या. तो थोड़ी देर में बाहर से दरवाजा नॉक किया गया, आपको सतीश धवन बुला रहे हैं. अब्दुल कलाम सोचे ठीक है गए मिलने. अब्दुल कलाम से जब मिलने गए वहां पर तो उनसे कहा कि आपको लीड करना है इसको, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करना है. अब्दुल कलाम ने कहा कि जब अनसक्सेसफुल थे तब आपने अपने सर पे ली बात और जब सक्सेसफुल हैं तो हक आपका बनता है. उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उतना किया जाए. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया अब्दुल कलाम ने, दिस इज ग्रेट ग्रेट लीडरशिप. और कुछ दिन बाद अब्दुल कलाम के पास कॉल आती है कि आपको इस बार पद्म अवार्ड के लिए चूज किया गया है. इंदिरा गांधी की दोबारा गवर्नमेंट आती है, जिन्हें हिस्ट्री पता होगा, दोबारा गवर्नमेंट आती है, इंदिरा गांधी ने चूज किया है, पद्म अवार्ड आपको मिलना है. परेशान अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं पद्म अवार्ड नहीं ले सकता. कह रहे पूछा क्यों,
कह रहा है कि मेरे पास, मैंने आज तक लाइफ में शूज नहीं पहने, जूते नहीं पहने, और मैं कैसे बिना शूज के इस पद्मा अवार्ड को होल्ड कर सकता हूं? तो सतीश धवन ने कहा, देख तेरी जो वैल्यू है, तेरी इज्जत है ना, कभी भी तेरी इज्जत के कपड़ों से नहीं है, तेरी इज्जत तेरे कामों से। वो पहली पर्सनालिटी बने जिन्होंने पद्म अवार्ड को रिसीव करने विदाउट सूच वहां पर जाके पहुंचे, इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। दैट्स अ ग्रेट पर्सनालिटी। इसके बाद इनका मूव ऑन होता है डीआरडीयू में। हम दोबारा जब लिंकअप करेंगे ना डीआरडीयू के, मैं यहीं से इसको लिंकअप करूंगा। उन्होंने इसरो छोड़ी और डीआरडीयू ज्वाइन किए थे, और उन्हें इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। मैं उस लिंक को यहां से हटाता हूं। तो एसएलवी हमारी सक्सेसफुल हो गई। तो हमारे पास दो चीजें हो चुकी हैं, क्या स्पेस में जाने के लिए हमारी पहली सैटेलाइट जो बनी, सैटेलाइट बनी वो थी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट बनी, और जो लॉन्च व्हीकल यहां पे गया, द लॉन्च व्हीकल नेम वाज SLV-3। ये थर्ड वर्जन था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे 1980। अब हम लोग स्पेस में भी पहुंचना शुरू कर चुके, हम लोग स्पेस में भी जाकर पहुंच चुके। क्या मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं? अब जब स्पेस में एसएलवी में पहुंच चुके हैं हम लोग, तो एसएलवी हमारी सक्सेस, तो इसके अंदर कोई ना कोई सैटेलाइट भी रखी होगी। बिल्कुल, इसके अंदर एक सैटेलाइट रखी हुई थी जिसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी सैटेलाइट, तो एग्जाम में आता है तो कि इंडिया की फर्स्ट कंप्लीट इंडिजिनस सैटेलाइट कौन सी थी, तो इसी में तो रोहिणी पहुंच जाएगी। तो रोहिणी यहां पर लिख दूं, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट बट नॉट कंप्लीटली इंडिजिनस। आपको पता है कि लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था वो दूसरी कंट्री का था, लेकिन जो हमारी रोहिणी है वो क्या बन जाएगी, रोहिणी हमारी इंडिजिनस, रोहिणी हमारी कंप्लीटली इंडिजिनस सैटेलाइट बन जाएगी। कोई कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, रोहिणी ये साउंडिंग रॉकेट था, है ना, रोहिणी R-75 रोहिणी अलग है, दोनों चीजें, ये साउंडिंग रॉकेट है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इन चीजों में। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे समझ से ये हम लोगों ने कहां पर किया, यहां पर इन स्पेस में प्रोग्राम किया था, इन स्पेस में जो प्रोग्राम किया था, और जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, यहां पर हम लोगों ने एक अलग से टर्म दिया था, साउंडिंग रॉकेट टर्म दिया था। यहां के बाद जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक जो प्रोग्राम चला वो हमारा स्पेस का प्रोग्राम चला, और जो स्पेस का प्रोग्राम चला इसी में तो हम लोगों ने लॉन्च व्हीकल डेवलप किए और साउंडिंग रॉकेट, सॉरी लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट दोनों का डेवलपमेंट किया हम लोगों ने। तो ये बन गया हमारा, ये क्या हम लोग ये वाले प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके, ये वाले प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके, बचा कौन सा हमारा डीप स्पेस, या जो स्पेस से ऊपर वाला पार्ट है, लगभग 36,000 किलोमीटर, एक्चुअली नॉट 36,000 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर, बट ठीक है मैं रफली अराउंड में इतना कह रहा हूं। तो अब मैं कहां पे पहुंच चुका हूं, इस वाले पार्ट में पहुंचूंगा, डीप स्पेस में। तो क्या डीप स्पेस में मतलब अदर स्पेस में मिशन किया गया? बिल्कुल किया गया। इंडिया का पहला मिशन था जो डीप स्पेस में किया गया, दैट्स द नेम ऑफ डीप स्पेस मिशन किया गया, वो था 2008 चंद्रयान फर्स्ट। बनाने के लिए बाध्य करता है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, जहां पे यूके जिसने हमें गुलाम बनाया था, आज उसके पास कुछ नहीं, वो हमारी पाकिस्तान हमसे ज्यादा डेवलप्ड था जब इंडिपेंडेंट हुआ था, और आज वो भीख मांग रहा है हमसे पैसे मांगने के लिए तैयार बैठा। तो ये है इंडिया की सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर कह सकता हूं या पावर ही कह सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे समझ से हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ चुकी है। मैं आता हूं यहां पर जो सबसे टफ होता है स्टूडेंट को याद करना, कि सर इसके हम लोग याद कैसे करें, इसके जितने इंस्टीट्यूट है, मैं सारे इंस्टीट्यूट का नहीं कर रहा हूं, उसके लिए लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगा, मेरे समझ से 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे हम लोग को केवल इंस्टीट्यूट के लिए। मैं शॉर्ट में आप लोग के लिए वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे को यहां पर क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर बनाता हूं आप लोग को। अब जो दूसरा पार्ट था हमारा सेंटर लॉन्च व्हीकल, उसको छोड़ के मैं अब आता हूं थर्ड पार्ट में, सेंटर्स जो हमारे सेंटर्स बने हुए, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सेंटर। सेंटर को याद करना, आपका तो सर भूल जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। आप ये समझो काम क्या करता है सेंटर, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी सेंटर। और ये एग्जाम में कब, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, वन डे एग्जाम में तो खास कर ये आते ही रहते हैं, ठीक ना। ये मैंने इंडिया का मैप बनाया। सबसे पहले देखो यहां पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद है गुजरात, तो मैं यहां पे गुजरात अहमदाबाद लिख देता हूं, गुजरात में अहमदाबाद है, और इस अहमदाबाद में एक सेंटर है, सेंटर जिसे SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, SAC। मैं सबको ये भी याद करूंगा, परेशान मत हो, बस सुन लो अभी, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। दूसरी बात समझना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बाद मैं यहां पर आ जाऊं बेंगलुरु में, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका, मैं लिखता हूं कर्नाटका बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु यहां पर कौन सा,
कर्नाटका बेंगलुरु में, देखना यहां पर ISAC था, ISAC था, बट इसका नेम चेंज कर दिया गया 2018 में, 2018 में इसका न्यू नेम कर दिया गया है, न्यू नेम UR राव उडुपी रामचंद्र राव सेंटर। याद आया क्या मैंने नाम लिया था? मैंने जितने भी नाम लिए थे वो कोई भी फालतू नाम नहीं लिए थे, जो कहीं ना कहीं रेड करना था, इस कारण से मैं सारे नाम ले रहा था। ISAC का न्यू नेम 2018 में इनकी डेथ किम में कर दिया गया था, UR राव सेंटर, और यही इसरो का आज HQ हेडक्वार्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है, जिसका पुराना नाम ISAC था, एट प्रेजेंट नाम UR राव सेंटर है, UR राव नाम था उनका जिन्हें सेटेलाइट बनाई थी, दैट्स उडुपी रामचंद्र राव सेंटर, ठीक है ना। नाम आता हूं थुम्बा, शायद आपने थुम्बा नाम सुना था ना, थुम्बा में जहां पे पहली साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था थुम्बा, दूसरी साउंडिंग रॉकेट को भी लॉन्च किया गया था थुम्बा से, और थुम्बा का जो नाम है वो जब विक्रम साराभाई की डेथ होती है तो उनके नाम पर कर दिया VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवंतपुरम केरला में, ठीक है ना, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवंतपुरम केरला में, चार सेंटर हो गए। एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर में जाऊंगा समुद्र में, तो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, इस आइलैंड में एक जगह है जिस जो है श्री हरिकोटा नाम है उस जगह का नाम है, और याद रखना ये लेक है पुलिकट लेक के बैंक पर, पुलिकट लेक के बैंक में याद रखना, ये AP आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पुलिकट लेक एक्चुअली दोनों में तमिलनाडु इसमें डिवाइडेड, बट मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी पर जो सेंटर लोकेटेड है इसे बोला जाएगा सतीश धवन SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC। क्या आपको तीन नाम सतीश धवन का नाम बताया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग जो थे हमारे इस समय वो थे इसरो के चेयरमैन था, SDSC थे, विक्रम साराभाई फर्स्ट चेयरमैन थे, और UR राव थर्ड चेयरमैन भी थे, और इन्होंने ही डेवलपमेंट किया था फास्ट ट्रैक, थर्ड चेयरमैन भी थे। तो ये सारे नाम पर यहाँ पर सेंटर पर गए। अब इन सेंटर को रेट कैसे करना, रेट क्या करना है हमें पता होना चाहिए कि करते क्या है, तो सारी बातें इसलिए याद हो जाएंगी। देखो मैं बिल्कुल डॉट नहीं बताता हूं कि यही करते हैं, और भी काम करते हैं, बट ये जरूर करते हैं, सुनना बात को। आपको एक मिशन ले जाना है, मिशन ले जाना मार्स में, तो पहले क्या करना होगा, मार्स मिशन में जाने, मंगल में जाने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद दूसरा वहां पे कौन सी सैटेलाइट जाएगी वो प्लान करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्पस से जाएगी, सैटेलाइट में कैमरे हमने लगा के भेजेंगे। थर्ड, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे। चौथा, और कहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। चार क्वेश्चन आए। फर्स्ट प्लानिंग, याद रखना जो SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो प्लानिंग का काम करता है, केवल प्लानिंग करेगा, पूरा प्लानिंग का काम करेगा। हाँ, और भी बहुत सारे काम है, बट ये जरूर करता, मैं ऐसा बोल रहा हूँ और काम नहीं है, बट प्लानिंग का काम करता है। अभी सिंपल वर्ड्स में देखना, प्लानिंग का काम करेगा। अब दूसरे नंबर में क्या चाहिए हमें, सैटेलाइट चाहिए। तो सैटेलाइट बनाने का काम कौन करता है यहां पर, यहां पे जो हेडक्वार्टर है वो सैटेलाइट बनाता है, सैटेलाइट बनाने का काम करता है। याद रखना सैटेलाइट यहां भी बनती है, बट मोस्टली सैटेलाइट कहां बनेगी, यहां बनेगी। सैटेलाइट बनाने के बाद ये लॉन्च व्हीकल, मतलब कौन सा व्हीकल ऊपर ले जाएगा उसको, वो लॉन्च व्हीकल कहां पर बनता है, LV लॉन्च व्हीकल बनते हैं हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर जाते हैं, और जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में, और कहां से लॉन्च किए जाते हैं, वो लॉन्च कहां से किए जाते हैं, लॉन्च यहां से किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं यहां से। और याद रखना जो लॉन्च किए जाएंगे ना, तो लॉन्च किए जाने पर लिसन केयरफुली, लॉन्च किए जाने पर दो पैड बने, फर्स्ट पैड एंड सेकंड पैड, दो पैड बने, या दो लॉन्चिंग पैड जिसे कहते हैं वो बने हुए, तीसरा लॉन्चिंग पैड बनने वाला, जो कि मैं करंट पे नहीं जा रहा हूं बार बार, वरना मुझे जाना चाहिए था। चार आपको समझ में है ना, एक क्या बना यहां पर, प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद यहां पर क्या हुआ, प्लानिंग के बाद यहां पर सैटेलाइट बनाई गई, सैटेलाइट बनाने के बाद यहां पर लॉन्च व्हीकल बनाया गया, लॉन्च व्हीकल को यहां से लॉन्च कर दिया गया। तो यही हमारी सारी चीजें, यही चारों सेंटर करते हैं। अब हेडक्वार्टर कौन सा ये? अब एक बात समझना, सुनना, जब एक जगह बना, एक जगह प्लानिंग हुई, दूसरी जगह सैटेलाइट बनी, तीसरी जगह ये बना, चौथी जगह असेंबल होकर भेज दिएगा। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना हवा में, तब तो भी इसे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में मूव करना, कहां से इसकी ट्रेजेक्टरी रहेगी, सब कुछ कंट्रोलिंग करनी पड़ी। तो कंट्रोलिंग करने के लिए एक जगह बनी है यहां पर, कर्नाटका में ही बात कर रहा हूं, ये कर्नाटका है, इस कर्नाटका में मैं हसन HASSAN हसन का नाम दे रहा हूं, हसन एक लोकेशन है, और इसने बना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये MCF बनी है। तो ये तब तक कंट्रोलिंग करेगा यहां से। तो ऊपर आपने शायद देखा हो कि जब सब लोग देखते हैं, आप लोग लॉन्चिंग देखते होगे, तो बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ रखे रहते हैं, न्यूज में मोस्टली देखते होगे, और वहां से देखते हैं, वहां सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल बताते हैं, वो लोकेशन नहीं बेस्ट, सारे लोग यहीं पर बैठते हैं, लॉन्चिंग यहां से हो रही होती है, लेकिन सारे साइंटिस्ट यहां से इसको क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे होते। तो MCF कहां पे, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन कर्नाटका में, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक सेंटर है हैदराबाद में, लास्ट बता रहा हूं, अब नहीं बताऊंगा इसके बाद, हैदराबाद है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये एग्जाम में आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर।
नेशनल रिमोट से, ये क्या काम करता है देखो, ऊपर क्या करेगी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा, सैटेलाइट क्या करेगी वहां से, सैटेलाइट क्या करेगी सैटेलाइट को फ्री छोड़ दिया जाएगा, और सैटेलाइट यहां से लगा के मूव करने लगी, सैटेलाइट यहां से लगातार मूव कर रहेगी, तो सैटेलाइट को आउटपुट देगी ना जो हमें इमेजेस देगी, उस इमेज को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलेशन यहां पर होता है। ऐसे इसके बहुत सारे सेंटर, रीजनल सेंटर बने हुए, लेकिन मेन सेंटर बता रहा हूं, भोपाल भी कोई सेंटर बना हुआ है, लेकिन मैं एक सेंटर की बात करता हूं जो मेन सेंटर है इसका, ये कौन सा, हैदराबाद में एनआरसी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ऐसे करके मैंने यहां पर लगभग 6 सेंटर बनाए, मैं ज्यादा ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए जो वनडे एग्जाम है इसके लिए ये इतना ही है। सारी बातें शायद याद हो गई, सबसे पहले मैं अहमदाबाद से स्टार्ट की थी मैंने जर्नी, अहमदाबाद में प्लानिंग की थी, मैं पहुंच गया था बेंगलुरु पे, बेंगलुरु पे मैंने सैटेलाइट बनाई थी, मैं तिरुवनंतपुरम पहुंचा था जहां पर मैंने लॉन्च व्हीकल बनाया था, तिरुवनंतपुरम के बाद बना SDS सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंचा था, जहां पर मैंने क्या बनाया था, जहां पर उसको भेज दिया था ऊपर, और जब ऊपर जा रहा था उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए मैंने क्या बनाया था यहां पर, यहां पर हसन कर्नाटका में आया था, हसन कर्नाटका में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बनी थी, और लास्ट में जो यहां पर पहुंचा था मैं हैदराबाद पहुंचा था, हैदराबाद में जो उनके आउटपुट है मैंने उनको देखा था। मेरे समझ से ये पूरी बातें आप लोग को ढंग से इसको आप लोग कंपाइल भी कर पा रहे होंगे और सोच भी पा रहे होंगे, तो सारे सेंटर्स आपको याद हो गए, हिस्ट्री और सेंटर वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। मैं मूव करता हूं इसमें लॉन्च व्हीकल की, ठीक है ना, लॉन्च व्हीकल में हमारे बहुत सारी डिटेल है, तो बहुत सारी डिटेल है जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करना कि अगर आपको इसकी नीड है, अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक PS जो क्या होता है लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल के बाद सैटेलाइट, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना। आप लोग मुझे बताना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा, अगर आप लोग को नीड लगी तो मैं कर दूंगा। लॉन्च व्हीकल में देख लेना, मैं एक शॉर्ट समरी छोटी सी बताता हूँ कि सारी पूरी हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। लॉन्च व्हीकल पहला लॉन्च कहता था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV था, दूसरा लॉन्च व्हीकल कौन सा था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च, सॉरी दूसरा ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, याद रखना ASLV जो ये था ये 1980 में सक्सेसफुल हुआ था, ये 1987 में सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद आया हमारा सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल जो कि आज तक के दुनिया का सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना, तो इश्यू कहते हैं हमारे 800 मारुति 800 इश्यू कहते हैं अपने यहाँ की, है ना। और ये कौन सा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 1993 में बना, अनसक्सेसफुल हुआ, 1994 में फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ, 1993 में अनसक्सेसफुल था 1993, और यही हमारे भारत की सबसे अच्छा, भारत नहीं इस दुनिया का सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल दुनिया का। सोचो मैंने बताया था कि आप लोग का ये है एक 800 का कमाल करता है, मारुति 800 कमाल करता है, ठीक है ना। अब ये क्या काम कर सकता है, देखो इसको मुझे इसमें जितने लोग बैठाना उतने लोग बैठा दो, चली जाएगी, भले ही थोड़े बाद यहाँ वहाँ जहाँ चेचे पेपे करेगी बट पहुँच जाएगी, आपको पता है। यही है अगर मुझे यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो बस पेट्रोल ना खत्म हो, ये पहुँच जाएगी बेचारे, धीरे धीरे जाएगी लेकिन पहुँच जाएगी। तो वही है हमारे यहाँ इस दुनिया की सबसे अच्छी लॉन्च व्हीकल है, और याद रखना इसी से सेंड किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के नाम जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के नाम देखना। पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C4, एक बात देखना ये क्या लिख दिया, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये लॉन्च व्हीकल का नाम लिख रहा हूँ, सी मतलब कॉमर्शियल, फोर का मतलब समझ दिया, पहली बार लॉन्च की गई तो 1, सेकेंड टाइम सेकेंड, थर्ड टाइम थर्ड, फोर्थ टाइम फोर, तो ये नंबरिंग ही चल रही है, ठीक है ना। तो PSLV ये 2004 में, और इसी को बोला गया कल्पना सैटेलाइट, कल्पना सैटेलाइट। अब कल्पना सैटेलाइट क्या काम करती है, कल्पना सैटेलाइट इंडिया में वेदर की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है कल्पना सैटेलाइट, ठीक है ना। इसके बाद इसकी सेकंड बहुत अच्छी जो लॉन्च व्हीकल है, बहुत अच्छा जो इनमें प्रोजेक्ट था वो था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 याद रखना, यही किया था हमारा मून पे। सोचो एक बहुत कम, अगर इसकी देखा जाए कैरिंग कैपेसिटी जब बना था तो ये तो 500 से 1000 केजी के बीच के लिए बना था, लेकिन डिस्टेंस कहां तक जा सकता था, डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस जा सकता था ये 400 किलोमीटर तक एफिशिएंटली जा सकता था, 400 किलोमीटर तक, लेकिन कहां पहुंचा दिया हमने मून में, क्योंकि हमारी क्या है 800 है, मून पे गया था, ठीक है ना। PSLV मून पे गया, और मून पे गया, यही फर्स्ट हमारा 2008 में भी था क्या ना, 2008 में भी था क्या। इसके बाद थर्ड नंबर में आया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25 लिख देता हूं ना, मिशन इन मून पे। सोचो मून पे भी चली गई है, बस इसमें तेल ज्यादा भरना था, कागज जहां पे लोग बैठते थे 800 में वहां पर तेल लग दिया गया, तेल को जोड़ दिया गया किससे, उसके टंकी से, चली गई है तो क्या दिक्कत है ना। हमारे इंडिया में कुछ भी हो सकती है। और देखो ये तो पहले हम डिस्टेंस तय करते हैं कितनी इसकी क्षमता है दूर जाने की, तो चली गई, इसको दुनिया में कहीं भेज दो सब जगह चली जाएगी। अब हमने इसको सोचा बस थोड़ा धीरे धीरे गई थी, धीरे धीरे का मतलब एक साल ले ली थी मून पहुंचने में, तो कोई दिक्कत नहीं, पहुंच तो गई थी, लेकिन हाँ चाइना उसी समय नासा ने मिशन किया था, एक महीने पहुंच गया था, लेकिन वो बात की बात है, हमारी तो मास्टर चीज थी, है ना, तभी तो अनसक्सेसफुल नहीं हुई, और दुनिया की पहला कंट्री बना ऐसा जिसने फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल पहुंच गया था,
चाइना 8-8 मिशन करके अनसक्सेसफुल था क्योंकि उसके पास ये लॉन्च व्हीकल नहीं था। थर्ड एंड फोर्थ नंबर में ये लिख देता हूं उसका मिशन फोर्थ नंबर में, ठीक है ना। एक बार स्पेशल लिखना, अब हमें इसे चेक करना है कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कार में 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 सारे बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इंडिया है, ठीक है ना। सेम ऐसे PSLV C-37 गई, ये C-37 में 103 सैटेलाइट रख दी गई। क्षमता किसकी इसके 5 सैटेलाइट रख लो, लेकिन हमने इसकी क्षमता चेक करने के लिए रख दी 103 सैटेलाइट और प्यार से पहुंच गई ऊपर स्पेस में और सबको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। ये था 2018 में, वेरी इंपॉर्टेंट 2018 कई बार आ रहा है सर, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है C-37 103 रिकॉर्ड सैटेलाइट, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था इसने, रिकॉर्ड सैटेलाइट है। इसके बाद इसमें कोई ऐसे मिशन नहीं थी। लास्ट मिशन था जो मैं करंट अफेयर में अपडेट कर सकता हूँ, फिफ्थ नंबर में 2022 में मिशन किया गया था, 2022 लास्ट मिशन किया PSLV C-53 तक अभी लॉन्च किया गया है। तो ये से करंट है, ठीक है ना। इनमें भी हम लोग पूरे इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि हम लोग नेक्स्ट में जरूर डिस्कस करेंगे इसका जो वर्जन है, कौन सा PSLV का जो नेक्स्ट वर्जन है, कि हम लोग कितना वेट ले जा सकती है, कितनी वेट, इसके कौन कौन से वर्जन आते हैं, इसमें तो PSLV एक आता है, CA कोर एलॉन आता है, PSLV जेनरिक आता है और PSLV एक्सल आता है, और इसमें इसके इंजन का नाम होता है विकास इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट विकास इंजन, ठीक है ना। कुछ ऐसे करके थर्ड के बाद आ गया फोर्थ नंबर GSLV। आप GSLV के बारे में कौन भूल सकता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का कौन भूल सकता है। एक साथ आपने नुम्बिनन वाली मूवी भी देख ली होगी, आर माधवन की मूवी, वो इसी बनी हुई 1993 में, वो बनाने वाले थे इसकी टेक्नोलॉजी बट ये नहीं बन पाई, तो ये जाकर इंडिया में बनकर तैयार हुई 2001 में विद द हेल्प ऑफ द रसिया, 2001 में बनी विद द हेल्प ऑफ द रसिया, वरना हमारी बनी नहीं पाई थी, समझ रहे हो ना। और कुछ कहते हैं कि अब वाह है यानी रीमर, मुझे नहीं रीमर है कुछ है मुझे नहीं पता, कि कुछ हमारे साइंटिस्ट गए थे 3-4 साइंटिस्ट रसिया में, अपने कट्टे भर के ले आए थे इसको, तब जाके उसको इंडिया में दोबारा उसने डेवलप किया था। ये रीमर भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रसिया ने कुछ दिन इंडिया में बैन लगाया था, अब जो जिस कारण से बैन लगा मुझे नहीं पता। 2001 में ये इसका एक मिशन था, इंपॉर्टेंट मिशन कौन सा, इसके जो GSLV Mk3 से, Mk3 का मतलब है कंप्लीटली इंडिजिनस थे, इससे किया गया था 2019 में, 2019 में चंद्रयान सेकेंड किया गया था। आपको पता है चंद्रयान सेकंड कितना अनसक्सेसफुल था या कितना सक्सेसफुल था, इस बारे में तो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, बाद में इसके डिस्कशन आगे लेक्चर में जरूर करेंगे। तो ये चंद्रयान था 2019, चंद्रयान सेकंड किया गया और GSLV Mk3, और इसी को बोलते हैं बाहुबली रॉकेट, वेरी इंपॉर्टेंट बाहुबली रॉकेट। तो चार आज कौन कौन से वर्किंग है, यस ये वर्किंग है, ये दोनों आज वर्किंग नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया में एट प्रेजेंट कौन कौन से लॉन्च व्हीकल ऑन वर्किंग है, तो इसमें दो वर्किंग है, तीसरा नहीं है, याद रखना। अभी रिसेंटली अगर मैं अपडेट करूं करंट अफेयर की एक बात बोल दूं, चौथे नंबर की, इसकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पूरी करंट अफेयर में बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूं। अभी रिसेंटली बनाया गया SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV बनाया गया और SSLV को सक्सेसफुल बनाया गया अभी रिसेंटली, कब, February 2023 में सक्सेसफुल बनाया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बात देखो, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, इसमें कितनी वेट करंट की कैपेसिटी, इसमें कितनी वेट करंट की कैपेसिटी, कितनी वेट इसमें करंट की, कितनी, कौन सा इंजन इसमें कितने स्टेज इंजन, कौन सा इंजन कितने स्टेज, कौन सा इंजन और कितने स्टेज इंजन यहां पर लगा, और जो नया बना है क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, सबसे कम वेट को कैरी कर सकता है, क्या है कमर्शियलाइजेशन, किस तरह से इसको कमर्शियलाइजेशन करने के लिए हमने इसको बनाया, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये। और एक नया जो प्रोजेक्ट आने वाला है हमारा गगनयान, उसके लिए नया लॉन्च व्हीकल बन रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये क्या है रियल, तो इन सब के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जरूर करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर इनका डिस्कशन चाहिए, डीप डिस्कशन चाहिए, तो मैं इसमें एक सेपरेट लेक्चर और लूंगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे समझ से ये जो इसरो का था ये फर्स्ट पार्ट था और ये आप लोग को समझ में आया होगा, बाकी मुझे अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना, ठीक है ना। तो हम लोग जो मिलेंगे वो जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।